शहर के वाड़ी परिसर के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर कुछ ही दिनों पहले युवती से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था। इस मामले में फिरियादी की शिकायत दर्ज करने में पुलिस द्वारा टालमटोल किया जा रहा था। इसी विषय को लेकर शनिवार को पत्र परिषद लेकर वाड़ी पुलिस पर कई सवाल या निशान खड़े किए गए। महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई इंतजाम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कि दामिनी बतख हो, हेल्पलाइन नंबर हो, लेकिन एक और वाड़ी पुलिस द्वारा युवती के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत तक पुलिस ने दर्ज नहीं की। वाड़ी पुलिस द्वारा युवती की फिरियाद दर्ज करने पे टालमटोल किया जा रहा था। शनिवार को पत्र परिषद लेकर युवती ने अपने साथ घटित हुआ वाकया मीडिया के सामने बयां किया। वाड़ी पुलिस के करतूत समाज के सामने लाई। युवती द्वारा एक ही मांग की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। समाज में आए दिन महिलाओं से अभद्र व्यवहार, छेड़खानी, अत्याचार के मामले सामने आते हैं। इन पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कई उपाय योजना बनाई गई, लेकिन वाड़ी पुलिस के ऐसे बर्ताव से वाड़ी पुलिस पर सवाल या निशान खड़े हो गए है। त्याच्यावरती तो मला दिसून आलं की सुरक्षित नाही आहे वाडी पोलीस स्टेशनचा अंतर्गत, बाकी ठिकाणी मी सांगू शकत नाही। कारण की मी स्वतः अर्ध्या रात्री पोलीसला फोन करून कुठे काही महिलांच्या आता 2 दिवस अगोदर वाडी पोलीस स्टेशनमध्ये काही जे गर्ल्स लोक होते ते तिथे गेले पार्टीसाठी आणि तिथे त्यांच्या आपसीमध्ये भांडण झालं। तर त्यांनी मला कॉल केले, त्यांना सांगितलं तुम्ही पोलीस स्टेशनला फोन करा। माननीय कमिशनर साहेबांनी सांगितलं की नाही, अर्ध्या रात्री तुम्ही फोन केले तर पोलीस स्टेशनवर आमची स्वतः गाडी मुलींना सोडण्यासाठी आहे। तर ते मी त्यांना गायडन्स केलं आणि त्यांनी सोडलं। तर फक्त माझं हे म्हणणं आहे की माननीय जेव्हा पाटील साहेब तिथे वाडी पोलीस स्टेशनचे इन्चार्ज आहेत आणि मी तेव्हा त्यांना फोन केलं, त्याच्यानंतर हे म्हणजे दबावमधून कसं काम करतात, तर महिलांवरती हे आम नागरिक आहे, आम नागरिकवर असं अत्याचार झाला आहे। तर ते महिला आहे, पुरुष असले तर ठीक आहे, आपण काही ना काही करू। महिलांना अर्ध्या रात्री सपोर्ट भेटायला पाहिजे आणि होलीच्या दिवशी असं प्रकरण घडलं आणि उलट तिथलेच काही लोकांनी बोललं की नाही म्हणजे महिला दारू पिऊन आहे, तर पोलिसने मेडिकल काउंट नाही केलं, 2 दिवसानंतर मेडिकल पोलीस करतात, हे चुकीचं आहे ना। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज नागपूर।